पब्लिक टीवी आपकी आवाज। केंद्र की सरकार को 9 वर्ष पूरे होने पर भारत में 1 जून से 30 जून तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों की भी जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित होटल ड्राइविंग 24 में वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ बैठक और टिफिन भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घरों से भोजन लेकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां सभी ने एक दूसरे के साथ भोजन कर संदेश देने का काम किया। कार्यक्रम में MLC डॉक्टर जयपाल सिंह बैस ने कहा कि 1 जून से 30 जून तक इस कार्यक्रम में हमें घर घर जाकर अपनी पार्टी की नीतियों को बताने का काम करना है और ऐसे लोगों को पार्टी में जोड़ना है जो अब तक हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। सैनिक को देता है, उसके बाद मुझे देता है और क्या किया, कहीं से ये परिणाम है ये। लेकिन प्रयासों में और गति बढ़े, प्रयासों की क्वालिटी इंप्रूव हो, मैं समझता हूं कि आगे की चुनौती हमारे लिए कठिन चुनौती नहीं है लेकिन आसान भी नहीं। अतः हमें कठिन सामना करने के लिए 2024 का सामना करने के लिए इस समय पर अपने पास जो का बेस्ट है, माने अनुभव में, क्रियाशीलता में जो भी सर्वोत्तम है उस सर्वे को अचीव करने के लिए सर्वोत्तम कम से कम 4-5 रुपए प्रतिदिन देने का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। लोग काम करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, वो भी तो आप देखते हैं, उनका आकलन करिए, परीक्षण करिए, अपवाद रूपी करते हो जाता है, ये तो अपवाद में रुक है, लेकिन जिंदगी में सफल हुआ हो, जिसने लक्ष्य की प्राप्ति की हो, मुझे एक भी उदाहरण नजर नहीं आता। हम लोग विधायक, MP, MLC, मेयर बने बैठे हैं, संघर्ष उन लोगों का, संघर्ष आप लोगों का, इसकी वजह से आज हम लोग इन पदों पर बैठे हुए हम लोग सरकार चला रहे हैं। आपके आशीर्वाद से बिना संभव नहीं था। आपने जो अपना बलिदान, अपनी कुर्बानी, अपना समय दिया पार्टी के लिए, उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश में भी हमारी सरकार है और देश में भी हमारी सरकार। तो ऐसे सम्मानित परिषद हैं उनके शिष्यों में नमन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम देश के संगठन के नेतृत्व की तरफ से मोदी जी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं महानगर के सम्मानित अध्यक्ष और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है, जिसमें मुरादाबाद में जो वरिष्ठ जन हैं, जैसा कि ऊपर से आया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व पदाधिकारी हैं, सीनियर अपने पदाधिकारी हैं, उनको आज बोलते आमंत्रित करना है, तो आज उनको यहाँ आमंत्रित किया गया। उनके साथ ही साथ तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है। तो इस भव्य आयोजन के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी को और हमारी टीम है भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय गुरु जी ने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ रखे हैं और उनके सुझावों पर हम लोगों को और यदि ध्यान रखा जाएगा। आज तो कार्यक्रम वरिष्ठ जनों का था, जो पार्टी पदाधिकारी थे उनको आमंत्रित करने का था, लेकिन उनके साथ साथ और अन्य वरिष्ठ जनों को जोड़ा जाएगा, जो गुरु जी का प्रस्ताव है, सुझाव है, तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि गुरु जी ने कहा कि जो हम लोग भोजन लेके आए, मैं देख रहा था कि कुछ लोग अपने टिफिन का ही खा रहे थे, जैसा कहा कि सह भोज है, अपना भोजन दूसरों को खिलाएं, उनका भोजन स्वयं खाएं, तो इस तरीके से यदि हम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा और अधिक ना बोलते हुए मेरा ये निवेदन है कि आज के इस कार्यक्रम को हम लोग शीघ्र शुरू करें और गणेश जी हमारे बैठे हुए हैं, उनके लिए भोजन तैयार करें। पब्लिक टीवी
आपकी आवाज़।